मेरा नाम सुधीर है, मैं सफाई कर्मचारी हूँ। 4 महीने हो गई सैलरी नहीं मिली। कोरोना टाइम में हमने रोज 6 बजे आके रोडों पे झाड़ू मारी। हमने अपनी जिंदगी का खेल नहीं देखा, अपने बच्चे छोड़ छोड़ के आए सर हम। मेरा नाम भारती है, मैं निगम प्रतिभा स्कूल रामेश्वर नगर की इंचार्ज हूँ। मुझे लास्ट सैलरी जुलाई तक की मिली है, उसके बाद अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली है। जो हमें सरकार की तरफ से आदेश होता है नियमित रूप से और प्रॉपर टाइम टू टाइम, हालांकि आधा स्टाफ हमारा कोविड सर्वे में लगा हुआ है। मैं दिल्ली सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि हमें हमारी सैलरी हमें टाइम पर मिले और हमारी तरफ से जो सहयोग उन्हें अपेक्षित है हम उन्हें पूरा पूरा सहयोग करें। मैं MNCW केवल पार्क से एज LHV मैं यहाँ कार्यरत हूँ। मेरा नाम प्रभजोत कौर है। लास्ट 4-5 साल से हम लोगों को सैलरी के लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत ज्यादा। हम लोग कंटिन्यूअस कोविड में काम कर रहे हैं, हर 2-3 महीने में सैलरी आती है और अब तो सैलरी 6 महीने से हम लोगों की सैलरी नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आप नफरत की राजनीति क्यों कर रहे हैं? निगम कर्मचारी भी दिल्ली के नागरिक हैं और ये बात सब जानते हैं कि निगम को पैसा देने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, आपकी है। आपने कोरोना काल में जनता का पैसा अपने झूठे प्रचार में पानी की तरह बहाया है। अगर ये पैसा आप निगम को दे देते तो निगम कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह मिल जाती और ये पैसा निगम के लिए दिल्ली वालों की सेवा के लिए काम आता।